तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। तेरा नाम थी एक सच्ची कहानी। हेलो दोस्तों, मैं श्रीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, तेरे नाम मूवी को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये मूवी एक मास्टरपीस थी जिसने सलमान खान के एक्टिंग करियर को काफी ज्यादा चेंज कर दिया था। साथ ही ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी तमिल फिल्म सेतु की रीमेक थी। इस फिल्म की स्टोरी को ऑफिशियली बाला ने लिखी थी और इस मूवी की स्टोरी ने सबको इमोशनल कर दिया था। साथ ही आपको बता दें कि ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। इस फिल्म के स्टोरी राइटर बाला ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि एग्जैक्टली ऐसा ही उनके एक दोस्त के साथ हुआ था। उन्हें किसी लड़की से प्यार था और फिर उन्हें सर पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। साथ ही उन्हीं की स्टोरी से इंस्पायर होकर बाला ने ये स्टोरी लिखी थी। साथ ही दोस्तों, तेरे नाम के बाद अब तेरे नाम 2 मूवी की अनाउंसमेंट हो गई है। इस मूवी में हमें मेन लीड में सलमान खान देखने को मिले थे। साथ ही सलमान खान ने इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया था और ये लोगों को पसंद भी आए थे। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि सलमान खान इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे? इस फिल्म को सबसे पहले संजय कपूर को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद मेकर्स ने अजय देवगन को कास्ट करने का सोचा लेकिन अजय देवगन राधे का रोल नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद मेकर्स ने सलमान खान को ये रोल ऑफर किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और सलमान ने राधे के रोल को बखूबी भी निभाया था। सलमान खान एक एक्टिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा और उनके भाई सभी एक्टर्स हैं लेकिन फिर भी इनकी लाइफ काफी चैलेंजिंग रही। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर एक सपोर्टिंग रोल से शुरू किया था। साथ ही दोस्तों, इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू बीवी हो तो ऐसी मूवी से किया था जिसमें ये एक सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए थे। उसके बाद इन्होंने मैंने प्यार किया मूवी में मेन लीड एक्टर का रोल किया था। ये मूवी 1989 में आई थी। इस मूवी को लोगों ने बहुत पसंद किया था लेकिन कुछ मूवी सलमान की ऐसी भी थी जिसने ऑडियंस को काफी निराश कर दिया था। साथ ही इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ताज होटल में बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया था। साथ ही जिसके लिए इनको 75 रुपए मिले थे, ये उनकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी। सलमान ने अपने फैंस को काफी इंस्पायर करते हैं। वो इतने अमीर होकर भी एक सिंपल सी लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहें, खुश रहें। जाते जाते करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।